हम सब लोग वर्तमान में टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए और उसका उदाहरण हम घरों में देखते हैं बाहर देखते हैं सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखने को मिलता है आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को दिल्ली से मात्र बधाई देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं। गोवा की स्वाधीनता की 60वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित गोवा के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री दिगंबर कामत जी राज्य सरकार के मंत्री श्री मावेन गोंदियो जी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण गोवा निवासी सभी प्रतिष्ठित सम्मान्य देवियों और सज्जनों आज के दिन गोवा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए विशेष रूप से स्मरण करने का दिन है लगभग 450 वर्ष के औपनिवेशक शासन के बाद वर्ष 1961 में आज के ही दिन गोवा को विदेशी शासन से मुक्त कराया गया था आज आप सब लोगों के साथ पूरा देश गोवा के 60वें मुक्ति दिवस का उत्सव मना रहा है विदेशी शासन से गोवा की मुक्ति के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोगों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई मैं आप सभी को इस गौरवपूर्ण दिवस की बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी मुझे मिले उनकी इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में सहभागिता व्यक्त करूं और मुझे सचमुच में कोरोना महामारी से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया प्रकोपित है और ऐसे में हम सब लोग अपने को बचा करके रखने की एक मानसिकता बन गई लेकिन मेरे लिए भी अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं अधिकतर वर्चुअल मोड के माध्यम से होते रहे। ये मेरे लिए एक सार्वजनिक रूप से दूसरा कार्यक्रम है जबकि मैं दिल्ली से निकला और मात्र इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि मुझे गोवा आए हुए लगभग दो वर्ष की अवधि बीत चुकी होगी तो मुझे लगा कि मैं चल करके आप के आप सबके भी हालचाल पूछूं और आप सबकी खुशखबरी लेकर के लेकिन मुझे आज ये जानकर प्रसन्नता हुई मैं समझ सकता हूं कि कोरोना महामारी के कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके कारण संख्या में कमी आती है और हर जगह इसीलिए वर्चुअल मोड से कार्यक्रम करना अधिक उपयुक्त माना जाता है लेकिन जब मैं शहर में प्रवेश कर रहा था वो तो कुछ प्रोटोकॉल के कारण मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के लोग पूरी मार्केट बंद करवा देते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि गोवा जिसकी कल्पना मेरे मन में मैं शायद कई बार आ चुका हूँ जो चहल पहल गोवा में रहती है तो ऐसा लगता है कि आज का दिन तो ये शाम जो थी वो उजाड़ सी थी गोवा की लेकिन मैं समझ सकता हूँ प्रशासन की एक अपनी मजबूरी होती है जिसके कारण वो सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब भी औपचारिकताएँ पूरी करते हैं लेकिन मुझे खुशी आप सब लोगों से मिल की हुई क्योंकि आप सब यहाँ पर संख्या में कम हो सकते हैं लेकिन आप प्रतिनिधित्व करते हैं न केवल पणजी का बल्कि पूरे गोवा राज्य का इसलिए मुझे आप सबसे मिलकर के अत्यंत प्रसन्नता हो रही देवी और सज्जनों गोवा में उपनिवेशी शासन की नींव बास्कोडी गा के उन्नीस चौदह सौ में भारत आगमन के समय पड़ गई थी पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया धीरे धीरे वे लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर नियंत्रण स्थापित करने लगे लोगों की नागरिक स्वतंत्रता छीनी जाने लगी विरोध में धीरे धीरे आवाज़ उठने वालों को जेल में बंद कर दिया जाता था जनता का शोषण किया जाता था स्थानीय अर्थव्यवस्था नष्ट की जा रही थी जिसके कारण गरीबी बढ़ती जा रही थी गोवा की संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर पुर्तगाली शासन के विनाशकारी प्रभाव का जीवंत चित्रण यदि हमें देखना है कला के माध्यम से तो हमें महान स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान त्रिस्ताव दे ब्रेंगेजा कुन की हमें जो कालजयी कृतियां हैं उन्होंने दो कृतियां उनको कला में हमारे सामने रखा है पहली है फोर हंड्रेड ईयर्स ऑफ फॉरन रूल और दूसरी है द डी कॉलोनाइजेशन ऑफ गोवंस उसे हमें जरूर देखना चाहिए देवी और सज्जनों महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि कश्मीर या किसी अन्य राज्य की तरह गोवा भी भारत का अभिन्न अंग है भारत की एकता और अखंडता पर उन्हें अटूट विश्वास था उनके इस विश्वास की पुष्टि वर्ष उन्नीस के उनके इस कथन से होती है जब उन्होंने कहा था कि हमारा देश ब्रिटिश पुर्तगाली, फ्रांसीसी उपनिवेशों में विभाजित बनकर के नहीं रहेगा बल्कि एक होकर रहेगा गोवा की स्वाधीनता का संघर्ष काफ़ी लंबा चला इसका अंतिम चरण जून 1946 में शुरू हुआ जब नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन का विरोध करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने बहादुर साथियों के साथ गोवा में गिरफ्तार किए गए मुझे प्रसन्नता हुई और मैं उसके लिए आप सबको गोवंश को, को सल्यूट करना चाहूँगा कि जिस स्मारक में आज मैंने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि व्यक्त करने का जो मुझे सौभाग्य मिला उस समय मैंने देखा था इस स्मारक में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ राम मनोहर लोहिया का भी के नाम का भी उल्लेख किया गया गांधी जी की तरह डॉक्टर लोहिया का भी यही मानना था कि गोमांतक क्षेत्र भारत का हिस्सा है और गांधी जी उनकी सराहना करते हुए उन्होंने कहा था जिसको मैं कोट करना चाहता हूं उन्होंने कहा था कि हालांकि मेरी राजनीति से डॉक्टर लोहिया की राजनीति शायद भिन्न है फिर भी मैंने उनके गोवा जाने की और वहाँ की पुर्तगाली हुकूमत के काले कारनामों की ओर इशारा करने की तारीफ की है जब तक पूरा हिंदुस्तान फिर से अपनी आज़ादी नहीं ले लेता तब तक गोवा के निवासी अपनी आज़ादी का इंतज़ार कर सकते हैं लेकिन इस तरह कोई आदमी या समाज अपनी इज्जत को खोए बिना नागरिक स्वतंत्रता के बगैर नहीं रह सकता डॉक्टर लोहिया ने जो मसाल जगाई है उसे अगर गोवा वालों ने बुझ जाने दिया तो उनका नुकसान ही होगा ये गांधी जी के शब्द थे मैं इसे अनकोट करता हूँ आज मैं आप सभी के पूर्वजों को नमन करता हूँ कि जिन्होंने गांधी जी की कही हुई बात को आजादी की मसाल को बुझने नहीं दिया इसे जलाए रखने के लिए अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के पूर्वजों के त्याग और बलिदान का स्मरण करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं देवियों और सज्जनों गोवा की मुक्ति का संघर्ष केवल नागरिक स्वतंत्रता के लिए ही नहीं था वह भारत के साथ फिर से एकाकार होने की चिर संचित अभिलाषा की पूर्ति का संघर्ष भी था इस अभिलाषा की अभिव्यक्ति मुक्ति संघर्ष में तिरंगे के उपयोग में साफ दिखाई देती थी राजनैतिक संघर्ष के लिए गांधीवादी मार्ग को अपनाना भी इसी भावनात्मक एकता का परिचायक था गोवा को मुक्त कराने के लिए सभी समुदाय और संगठन औपनिवेशिक राष्ट्र सत्ता के खिलाफ मिलकर लड़े आज़ाद गोमानतक दल गोवा विमोचन समिति गोवा मुक्ति सेना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकजुट हुए लेकिन मैंने कुछ केवल कुछ ही संस्थाओं का नाम लिया है अनगिनत योद्धा स्वतंत्रता सेनानी और जिनके संगठन थे उन सब लोगों ने मिलकर के गोवा को मुक्त कराने के लिए एक साथ लड़ाई लड़ी फ्रांसिस्को लुइस गोमेस ने गोमांत की इंडियन नेशनलिज्म का स्वर बुलंद किया और लुइस दे मेंजेस ब्रेंगेजा ने गोवा की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के साथ एकीकरण का उद्घोष किया देवी और सज्जनों 15 अगस्त 1955 को महान स्वतंत्रता सेनानी श्री एनजी गोरे के नेतृत्व में एक विशाल सत्याग्रह शुरू किया गया गोवा के बाहर के भारतवासी स्थानीय मुक्ति आंदोलनों का समर्थन करने के लिए हजारों की संख्या में गोवा पहुंचने लगे स्वतंत्रता संग्राम में व्यापक जन भागीदारी को देखकर औपनिवेशिक शासक आश्चर्यचकित रह गए विशाल जन समर्थन को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने कूटनीतिक प्रयास तेज किए लेकिन औपनिवेशिक शासक सत्ता से हटने के लिए तैयार नहीं थे अंतिम विकल्प के रूप में 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ दो दिन बाद यानी आज के ही दिन 19 दिसंबर को गोवा के गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो सिल्वा ने समर्पण कर दिया गोवा फिर से भारत का अंग बन गया और मुक्त हो गया देवी और सज्जनों ये है गोवा मुक्ति की एक छोटी सी झलक उसके संघर्ष की कहानी गोवा की 160 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्र तट मौजूद है गोवा की प्राकृतिक सुषमा अनूठी है और यहाँ के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा के सच्चे प्रतिनिधि है मेरा अपना अनुभव भी इसी भावना की पुष्टि करने वाला रहा है मुझे अनेकों बार पणजी आने का सौभाग्य मिला संसदीय प्रतिनिधि मंडल के संयोजक के रूप में यहाँ के सुंदर समुद्री तटों और हरे भरे वनों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है यहाँ के लोगों के अतिथि सत्कार ने मुझे हमेशा के लिए गोवा का प्रशंसक बना दिया गोवा के लिए यह गौरव का विषय है कि यहाँ के लोगों ने समान नागरिक संहिता को अपनाया है ऐसा करने से यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिला है गोवा के हमारे भाई बहनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और सुशासन को मजबूत करने के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव भी बनाए रखा है जनता की सक्रिय भागीदारी वाला ये अनूठा मॉडल गोवा के लोगों की प्रगतिशील सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है देवी और सज्जनों जब गोवा को आजाद कराया गया था तब इसका आधारभूत ढांचा और उद्योग धंधे विकसित नहीं थे आज गोवा जब अपनी आज़ादी के साठवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है तो यह देखकर गर्व होता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये राज्य देश में पहले स्थान पर है इसका श्रेय गोवा के मेहनती लोगों जनप्रतिनिधियों जन सेवकों तथा उद्योग क्षेत्र को जाता है यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है किसी एक विशेष संस्था की नहीं है किसी विशेष कार्यकाल की नहीं है बल्कि गोवा जब से मुक्त हुआ है तब से ये विकास की यात्रा चलती है और मैं कह सकता हूँ कि ये उपलब्धि कठिन प्रयासों के बल पर प्राप्त हुई है और इसमें वर्तमान एवं पूर्ववर्ती सरकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जो वर्तमान में अपोजिशन लीडर हैं उनकी भी राज्य की प्रगति में उन्होंने अपने कार्यकाल में भी गोवा के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मैं आज आप सभी गोवंश को जो यहाँ उपस्थित हैं और जो इस स्टेज पर हैं इस प्रगति के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर चलते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है तब गोवा के गोवा ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के गतिशील नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा की सराहनीय पहल शुरू की वे अपने पूर्ववर्ती और आदर्श कर्मयोगी स्वर्गीय श्री मनोहर परिकर की समृद्ध विरासत को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ा रहे हैं गोवा के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान का प्रतिशत भी भारत में सबसे अधिक है राज्य के छोटे आकार के बावजूद यहाँ बड़े बड़े उद्योगों ने उद्यमों ने निवेश किया है गोवा अपने फार्मास्यूटिकल उत्पादकों की उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है कोविड कोविड-19 महामारी से युद्ध में यहाँ की फार्मा कंपनियों ने देश विदेश में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है राज्य वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण महामारी के दौरान गोवा की सरकार लोगों की समुचित देखभाल करने में सक्षम रही है शिक्षा के क्षेत्र में भी गोवा ने अच्छी प्रगति की है एन और आई आई को मिलाकर यहाँ आठ इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। यहाँ के प्रतिभाशाली युवाओं और इंटरनेट सेवाओं के योजनाबद्ध विस्तार को देखते हुए गोवा अब इन्फोटेक कंपनियों का विकास केंद्र बनने की ओर अग्रसर है अपने स्वच्छ वातावरण आसान कनेक्टिविटी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर धरती के बल पर गोवा आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2004 से लगातार यहां आयोजित हो रहा है मोपा में प्रस्तावित हवाई अड्डे के बन जाने से इस पर्यटन में और भी बढ़ोतरी होगी देवीय सज्जनों 19 दिसंबर 1961 का दिन गोवा और भारत के इतिहास में स्वर्ण मच्छरों में दर्ज है इस अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए गोवा सरकार के विशेष प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। एक वर्ष तक चलने वाले इन समारोहों की सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवा के उत्साही और उत्सव प्रेमी निवासियों को एक बार फिर से बधाई धन्यवाद जय हिंद